आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है भाई। हेलो, सर। सलाम। कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग ऑर्गेनिक में, बताइए। लोकलाइज एंड डीलोकलाइज पढ़ लिया था सर, क्वेश्चंस दिए थे। हाँ अच्छा हाँ, चलिए। अच्छा तो चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसके बाद टाइप्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए, रेजोनेटिंग किसको कहते हैं, जो अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर होता है। ये इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ये बीच में काम बहुत देगा। टाइप्स ऑफ रेजोन, देखिए, जहां एक से ज्यादा अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं वो भी दो तरह का होता है। और से सुनिए, आप ये जानते हैं ऑर्गेनिक में कि जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ता है उतना स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्या सब लोग इस बात से इत्तफाक राय रखते हैं? यस सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अरे बोलिए, कोई एक ही स्टूडेंट को समझ में आया ये लाइन? यस सबको सर। ये मेघना क्यों नहीं बोलती है भाई? आया ये लाइन सबको समझ में? जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, ये लाइन सबको समझ में आया? हेलो शादान, बोलिए। यस सर। यस। अब जब आप 12th की ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर का एक लास्ट पॉइंट है, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट है, क्वेश्चन में एक लाइन है, उसके बेसिस पर गौर से सुने। मैं रेफरेंस इसलिए देता हूं कि आपको मालूम हो कि ऑर्गेनिक में सारी चीजें एक साथ दी नहीं रहती हैं, वो आपको सारे 11 12 किसी न किसी चैप्टर में आपको होगा ये कंसेप्ट। अब आइए कि सर आप बताना क्या चाह रहे हैं। देखिए, एक होता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज द पहचान फॉर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? सेम चार्ज ऑन सेम एटम। जैसे आपने RCOO-, देखिए इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितना बनेंगे, दो, ये यहां और ये यहां, RCO- डबल बॉन्ड O। Did you understand everyone? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी ऑक्सीजन है, तो दो अल्टरनेटिव है, इसको कहेंगे टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इससे स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे स्टेबिलिटी और बढ़ती है। जैसे कार्बोनेट आयन, देखिए कार्बोनेट आयन O-, इसमें भी रेजोनेंस है A डबल बॉन्ड BC पर, इसमें तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। डबल बॉन्ड को हर पोजीशन पर अपना, ये यहाँ, ये यहाँ, ये फिर यहाँ आ जाएगा। बताइए, हर स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर ही है कि नहीं, जल्दी बोलो सारे लोग। इसमें तीन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक, ये हुआ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो ये ड्रॉ, ये लिखो सारे लोग, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की पहचान लिखो सारे लोग। हेलो एवरीवन, लिख रहा है ना? हेलो एवरीवन। यस सर। बहुत अच्छे आदमी हैं आप, ना जाने क्यों, जल्दी लिखिए। सब लोग रोजे से हैं भाई जो पढ़ रहे हैं? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। कोई ठीक नहीं यार तुम लोग का, यार कहो कि पढ़ाई कर रहे हो सर, रोजे तो रखते हैं पहले से। अच्छा, मरियम शायद नहीं है, मरियम नाम की जो स्टूडेंट, वो रोजे से नहीं होगी शायद। सर है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पर आप तरावी कहाँ पढ़ रहे हैं? नहीं, हम तरावी नहीं पढ़ते, हम उसकी जगह तहज्जुद पढ़ते हैं ना,
अभी मैं कहाँ टाइम मिल पाता है ना, तहज्जुद पढ़ते हैं, तहज्जुद का ज्यादा सवाब है ना, तहज्जुद तो सारे सर हम भी पढ़ते हैं रोज। हाँ तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, तरावी भी पढ़ो और सवाब, तरावी पढ़ने वालों को भी सवाब है, ना पढ़ने वालों को कोई गुनाह ना है, है कि नहीं? यस सर। यस लिख लिया सर। ओके थैंक यू। हम लोग 8 रिकात पढ़ते हैं तरावी, हम लोग सुन्नत मुताबिक पढ़ने वाले आदमी सब रहे भाई। यहाँ देखें हम लोग 8 रिकात पढ़ते हैं, यहाँ देखें टू से, हाँ तो यहाँ गौर से सुने सारे लोग, नंबर टू नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर इस पर रिजल्ट मैं लिखवाऊंगा। नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी दो पहचान है, सेम चार्ज ऑन डिफरेंट एटम, एक पहचान ये होगी, या डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम, इससे स्टेबिलिटी घट जाती है, डिफरेंट चार्ज ऑन सेम एटम। पहले ये लिख लो फिर हम एग्जांपल देंगे। लिख लिया सर। थैंक यू। सब लोगों ने लिख लिया? सब लोगों ने? यस सर। जैसे तुमको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपके पास है इसको कहते हैं फेनोक्साइड आयन, जब रेजोनेंस होगा तो ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है भाई, तुम खुद सोचो इसमें और रेजोनेटिंग बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, पूरा बना के दिखाना नहीं चाहता हूं। अब देख मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डैश डैश, तो बताओ ये नॉन इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं, जल्दी बताओ। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, नेगेटिव चार्ज कार्बन पर आ गया, बोलो नॉन इक्विवेलेंट हुआ कि नहीं? यस सर। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए और से सुनो, ऐसे तो मेरा टॉपिक होगा अभी कुछ देर के बाद कि स्टेबिलिटी के लिए क्या क्राइटेरिया देखते हैं, तो मैं पढ़ाऊंगा ही। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर पूछा जाए, ए कार्बोक्सिलेट आयन और फेनोक्साइड आयन, तो केमिस्ट्री कहता है मोर रेजोनेटिंग, मोर रेजो, मोर स्टेबल, लेकिन जानते हैं ए इज मोर स्टेबल, क्यों रीजन देंगे इक्विवेलेंट। तो एक डायलॉग याद रखें, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट सोल क्राइटेरिया, केवल एंड केवल सिर्फ नंबर ही करे। अब ये तो मैं एनसीईआरटी से आपको प्रूव कर रहा हूँ, अभी एनसीईआरटी में क्या पूछा है, फेनोक्साइड आयन हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, बट स्टिल कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फेनोल, ये लाइन एसिडिक करेक्टर में भी काम देगा। इसलिए कहा जाता है कि आपको जीओसी बेसिक चीजें इतनी दफा पढ़ लें कि जब टीचर पढ़ा रहा हो आगे तो आपको सब कुछ आए समझ में। मोर रेजो मोर स्टेबल बट इट इज नॉट सोल क्राइटेरिया, अगर किसी में इक्विवेलेंट है, उसमें कम ही स्ट्रक्चर है, फिर भी वो स्टेबल होगा नॉन इक्विवेलेंट से। हाँ अब यहां पर दोनों इक्विवेलेंट था, कहां गया? यहां दोनों इक्विवेलेंट था लेकिन यहां नंबर ज्यादा है, इसलिए नंबर वाला कार्बोनेट ज्यादा स्टेबल होगा। हम लोग जो ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं वो पूरी तरह एक लाइन पढ़े हुए हैं, मोर रेजो मोर स्टेबल, मोर रेजो मोर स्टेबल, नो। अब आप कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान सारी बातों पर होना चाहिए, मोर रेजो मोर स्टेबल बट इट इज नॉट सोल क्राइटेरिया। सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग, एवरीवन। यस सर। हाँ ये तो मैं आपका रेफरेंस दे दिया सर, कहीं पर तो नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में? अरे भाई अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर के एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है ये,
ये लास्ट क्वेश्चन है, फेनोक्साइड आयन हैज मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन कार्बोक्सिलेट आयन, तो इससे टॉपिक आ गया कि आपको याद होना चाहिए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो तरह का होता है। हम लोग ध्यान नहीं देते, बस रेजोनेंस सीख लेते हैं, हाँ हाँ मोर रेजो मोर स्टेबल, लेकिन ध्यान देना है कि भाई ये मोर स्टेबल है क्योंकि इक्विवेलेंट है। पहले ये सब हम, मुझे उम्मीद है कि ये आपने लिख लिया होगा, बोलिए ना। यस सर। जी सर लिख लिया, पिछला वाला नहीं लिखा लेकिन। अच्छा लिख नहीं लिखा तो बिहारी लिखो, बहुत अच्छे आदमी हो तुम, ना जाने क्यों। बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस सबको याद है ना भाई, पांच केस के अलावा सातवां दो केस और जो था। यस सर। हाँ उसको हर दिन पढ़ो प्लीज, ऑर्गेनिक पर डे अब आधा घंटा निकालो, उसके बाद बाकी अपना रिवीजन करो जैसे पढ़ना। आधा घंटा पर डे अब एकदम गांठ बांध के रख लो, जो पढ़ाया जाए उसी को पढ़ो, उसी को 10 दफा पढ़ो। आगे बढ़ें। जी सर। नीचे कंक्लूजन लिखो। RS का मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सोल माने केवल एंड केवल, ये स्लाइड लिख लीजिएगा तो बताइएगा। यस सर। मोहसिन तुम बताओ। जी सर लिख लिया। ये मैंने आपको कंक्लूजन लिखा दिया, इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट रहे तो उसमें वही स्टेबल होगा। आगे बढ़ें। यस सर। बहुत अच्छे। ये सब लोगों ने लिख लिया। हेलो हेलो एवरीवन,
अरे सबा को समझ में आया? यस सर। गुड, ये छोटी बातें हैं, प्लीज इसको इतनी दफा पढ़ लीजिए कि बहुत आगे जब टीचर समझाए तो आपको समझ में आए, उस वक्त ये ना हो सर ये क्या होता है। इसलिए आपको बेसिक रेजोनेंस की वो सारी इंफॉर्मेशन, सिर्फ रेजोनेंस पढ़ने से नहीं होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, इक्वलिंग नॉन इक्वलिंग। जितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन हम माइंड में इक्वलिंग नॉन इक्वलिंग को भी माइंड में रखते हुए हम ये सब बातें बोलेंगे। अगर इक्वलेंट है, चाहे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम हो या ज्यादा हो, वो हमेशा नॉन इक्वलिंग से ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो एक वर्ड और आता है, टाइप्स ऑफ कंजुगेशन। कंजुगेशन का मतलब होता है रेजोनेंस। लिखिएगा नहीं, एक वर्ड आता है क्रॉस कंजुगेशन, और मैं रेफरेंस दे रहा हूँ क्रॉस कंजुगेशन ऑर्गेनिक में कहाँ पर आपको मिलेगा। 12th के ऑर्गेनिक चौथा चैप्टर अमीन एसिटिनेलाइड, ये स्ट्रक्चर है आपके एनसीईआरटी में। तो मैं इसलिए सब बता रहा हूँ कि सबसे अफेक्ट होता है, बेसिक करेक्टर घट जाता है ड्यू टू क्रॉस कंजुगेशन। बेसिक करेक्टर डिफरेंसेस आपको ऐसे पूछ देगा, जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर, यहाँ भी रेजोनेंस है, एनिलीन में भी रेजोनेंस है। आपको कहेगा मोर बेसिक क्यों है, तो बताओ नाइट्रोजन ये मोर बेसिक है, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन होगा क्रॉस कंजुगेशन। ये तो एसिटिनिलाइड है 12th के ऑर्गेनिक में चौथा चैप्टर। तो कंजुगेशन दो तरह का होता है, मैं बोल दिया, रेफरेंस सबको समझ में आ गया ना। हेलो एवरीवन, हेलो, यस। ये नहीं समझ में आना चाहिए कि सर क्या एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। एक होता है एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक्सटेंडेड बोलते हैं या लीनियर बोलते हैं, सिराते मुस्तकीम कंजुगेशन। मतलब एक्सटेंडेड का मतलब एक ही है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां रेजोनेंस होगा, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यूनि डायरेक्शनल होगा। क्या होगा? यूनि डायरेक्शनल। क्या होगा? यूनि डायरेक्शनल। अरे बोलना रे पगला दीवाना सब, बोलना रे यूनि डायरेक्शनल, यूनि डायरेक्शनल। हाँ, लिखना शुरू करो। अब तक तो हम लोग जितना भी रेजोनेंस का एग्जांपल पढ़ा कल से, वो सब एक्सटेंडेड कंजुगेशन है। इन दिस कंजुगेशन displacement of electron takes place in unidirectional. यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जितना हम लोग अब तक पढ़ा है। ये यहाँ, ये यहाँ यूनि डायरेक्शनल है। अरे बोलिए ना, हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। अब आइए जो असल वर्ड है, आगे बढ़े। हेलो एवरीवन। यस सर। यस, असल में आपको पढ़ना है मेन डिफरेंस क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन का मतलब ये है कि इसको एक एग्जांपल से समझें, जैसे कैसे समझें आप। पहले कोई क्या इसमें रेजोनेंस है तो है, देखिए ए डबल पाई सिग्मा पाई, देखिए ये यहाँ, ये यहाँ रेजोनेंस है। हाँ जाना, जल्दी बताओ। यस सर। सारे लोग बोलो ना यार, कोई बोल ही नहीं रहे, गलत बात है ना। यस सर।
ठीक है भाई, ये हो गया, एक रेजोन सी हुआ, ठीक है भाई। अच्छा पाई सिग्मा सिग्मा, इसमें रेजोनेंस नहीं है। अब फिर देखो और से सुनो, इसमें रेजोनेंस है ना, पाई सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस में है। अरे ये सेगमेंट रेजोनेंस, ये सेगमेंट रेजोनेंस में है ना। यस सर। अब फिर बताओ इसका इसके साथ भी रेजोनेंस है कि नहीं, ये यहाँ ये यहाँ। यस सर। लेकिन बताओ क्या इस सेगमेंट का इसके साथ रेजोनेंस है, नहीं है ना। नो सर। नो। तो क्रॉस कंजुगेशन इसी कहते हैं, व्हेन टू एटम और सिस्टम आर इन कंजुगेट। देखो एक सिस्टम इसको मानो, एक सिस्टम इसको मानो, थर्ड ये मानो। व्हेन टू एटम और सिस्टम आर इन कंजुगेशन विद थर्ड एटम, बट ये बोथ सेगमेंट आर नॉट इन कंजुगेशन। ये भी इसके साथ कंजुगेशन, टू बी थ्री के साथ कंजुगेशन, बट वन ऑन टू कंजुगेशन में नहीं है। आया समझ में? तो बताओ अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना। अरे बोलिए ना, अपोजिट डायरेक्शन हुआ। हेलो एवरीवन। यस। जैसे देखो एसीटिनिलाइड में भी देखो अपोजिट डायरेक्शन है, COCH3। एक देखो, एक रेजोनेंस यहाँ है, ए डबल बॉन्ड बी सी पर, ए डबल बॉन्ड बी सी पर लोन किया, एक रेजोनेंस ही है, एक रेजोनेंस यहाँ है। बोलो हाँ या ना, बोलो ना रे। yes, sir. देखो अपोजिट डायरेक्शन हुआ कि नहीं, ये इधर दे रहा है, ये इधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है कि नहीं। हेलो। यस सर। यहाँ भी देखो ये यहाँ ये यहाँ, लेकिन ये यहाँ ये यहाँ, अपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन इसका और इसके साथ कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर इसको हम वन टू थ्री माने तो थर्ड का के साथ दोनों एक दूसरे के साथ रेजोनेंस नहीं है। इसको कहते हैं क्रॉस कंजुगेशन। क्रॉस कंजुगेशन की वजह से क्या होता है, ये लोन पेयर की डेंसिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये इसको ये भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, और इसको इधर भी खींच रहा है, दो दो आदमी खींच रहा है, तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी घटेगी ना। अरे बोलो ना। yes, sir. Yes, sir. एनिलीन में क्या है कि यहाँ भी लोन पेयर है, ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए मोर बेसिक। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखने में एक लोन पेयर इधर भी है, एक लोन पेयर इधर भी है, फर्क ये है कि इस लोन पेयर को ये आदमी इधर भी खींच रहा है और लोन पेयर को इधर वाला इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन। या वेक्टर भी यही कहता है, जब कोई चीज अपोजिट में होती है तो नेट रिजल्टेंट कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है एनिलीन में कि लोन पेयर एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए इसका नाम पड़ा एक्सटेंडेड कंजुगेशन, इसका नाम पड़ा क्रॉस कंजुगेशन। कोई बोल ही नहीं रहा यार, गलत बात है ना। बोलो आया क्रॉस। यस सर। क्रॉस कंजुगेशन में समझ लो फॉलो अप इलेक्ट्रॉन यूनिट डायरेक्शनल नहीं होता है। कंजुगेटेड सिस्टम हैविंग एटलीस्ट थ्री सेगमेंट एंड आल्सो हैविंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ नो इंटरेक्शन विथ टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब एक ये एक ये, टर्मिनल का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा। अब मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ। कोई बोल ही नहीं रहा या अल्लाह। हेलो, समझ में आया क्रॉस कंजुगेशन? यस सर। यस सर। देखो कंजू लिखना शुरू करो, कंजुगेटेड सेगमेंट एट लीस्ट सॉरी हैविंग एटलीस्ट थ्री सेगमेंट। थ्री सेगमेंट एंड ऑल्सो हैविंग अपोजिट direction of flow of electron aage ka line with no interaction, iske beech mein interaction nahi hona chahiye, terminal segment between, terminal ka matlab hota last, teen hai na ek beech wala do kinare, between terminal segment
इसी को हम कहते हैं क्रॉस कंजुगेटिव सिस्टम having added three segment and has also having opposite direction of flow of electron with no interaction between terminal. याद रहेगा सबको? हाँ जाना जल्दी बता भाई. Yes sir. Yes. हाँ लिख लिया. तो अब ये सब चीजें बीच बीच में आएंगी, कहीं पर टीचर समझा रहे होगा due to cross conjugation electron density भी. और बहुत काम आएगा ना, देखिए होगा ये कि NH2 strongly activating group होता है और ये जो अभी आपने जो लिखा NHCOCH3 ये मॉडरेटली एक्टिव, ये भी ऑर्थो पारा लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी इसमें ज्यादा होगी. तो वही टीचर उस वक्त समझाएगा कि क्रॉस कंजुगेशन की वजह से इसकी एक्टिवेटिंग पावर कम हो गई. तो उस वक्त मत मुंह चिल्लाइएगा, आ मत कीजिएगा सर ये क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, समझ रहे हैं ना. तो रेजोनेंस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दी जानी कि रेजोनेंस क्या है, कैसे समझेंगे रेजोनेंस है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो तरह का, इक्वलेंट नॉन इक्वलेंट. तीसरी बात, रेजोनेंस जब होता है तो क्रॉस कंजुगेशन तो दो तरह का एक होता है, एकदम यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. एक में क्या होता है, रेजोनेंस तो होता है, रेजोनेंस होगा, तीन सेगमेंट होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा, टर्मिनल के बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा. ऐसे समझ, ये हुआ रेजोनेंस की पूरी इंफॉर्मेशन. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर. देखिए क्रॉस कंजुगेशन का पहला एग्जांपल यहाँ देख लीजिए आप, NHCl. देखिए ये यहाँ एक रेजोनेंस ये हो गया, ठीक है भाई. और एक रेजोनेंस मैं एक साथ दिखाता हूँ, एक रेजोनेंस ये भी तो होगा, एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा. मैं एक बता रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है रेजोनेंस. बोलिए आ जाना. तो बताइए अपोजिट डायरेक्शन हो गया कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहा है, इधर जा रहा है. अब आइए टर्मिनल, टर्मिनल किसको कहा जाएगा, ये NH बीच में है, टर्मिनल एक और ये टर्मिनल, इस दोनों का आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं, दिस इज कॉल्ड क्रॉस कंजुगेशन. कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, हेलो एवरीवन. यस सर. क्रॉस, हाँ तो क्रॉस कंजुगेशन की वजह से NHCOR एक्टिवेटिंग पावर कम होता है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होती है ये, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट कम हो जाता है, यही सब आप आगे पढ़ेंगे. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस. ये हुआ क्रॉस कंजुगेशन. क्या मैं अब आगे बढ़ूं? हेलो एवरीवन. तो देखिए क्रॉस कंजुगेशन की वजह से, बताइए रेजोनेंस में आपने इतनी बातें पढ़ ली कि भाई रेजोनेंस क्या होता है, उसमें पांच छह कंडीशन आपने पढ़ा, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन था जिसमें स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता रेजोनेंस है, वो है बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस. डी ऑर्बिटल रेजोनेंस, एक पर नेगेटिव चार्ज होगा और एडजेसेंट एटम पर वैकेंडी होगा. दूसरा था बैक बॉन्डिंग में एक पर लोन पेयर होगा, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंड पी ऑर्बिटल होगा, वहां भी रेजोनेंस होगा. कुछ तो बोलिए हाँ या ना, ये तो गलत बात है भाई, आगे बढ़ें. हेलो एवरीवन. यस. हाँ बहुत अच्छे. टॉपिक डालिए कंपैरिजन और स्टेबिलिटी. इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रीवियस ईयर में भी देखेंगे. कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे. अच्छा अगले टॉपिक लिख लीजिए, बताइए सब लोग लिख लिया. हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन. अच्छा मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, ये टॉपिक आपको कहाँ मिलेगा, 11th के एनसीईआरटी में पहले ही चैप्टर ऑर्गेनिक का जो स्टार्ट होता है उसने क्या क्या बेचारे एनसीईआरटी ने एक ही लाइन में सब लिख दिया है. हम आपको चार पांच केस लिखाएंगे, लेकिन उन्होंने अगर स्टूडेंट पढ़ेगा तो उसमें है और उसके इंटेक्स में भी क्वेश्चन है. ये मत समझिए कि ये सब टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, आप फिर कॉम्पिटिशन में कहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है. ये रेफरेंस इसलिए दिया जाता है कि ये सब आपके सिलेबस में है और आप पहला चैप्टर
खोलिएगा ऑर्गेनिक का 11th में जहां से शुरू होता है तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी। उन्होंने एक लाइन में सब लिख दिया कि स्टेबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करती है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। जी सर। हम जो आपको सिखाना चाह रहे हैं एक लाइन पहले लिखेंगे तब हम रूल लिखेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूल तो एनसीईआरटी ने भी लिखा है लेकिन मैं जो पॉइंट लिखवाना चाह रहा हूं दीज रूल्स हैव टू बी अप्लाइड दीज रूल्स हैव टू अप्लाइड इन सीक्वेंस। हमें सीक्वेंस रूल का याद होना चाहिए। स्टेबिलिटी किन बातों पर डिपेंड करते हो सबको याद है, क्वेश्चन कैसे हम करेंगे इसलिए ये याद रखे जो रूल है सीक्वेंस में कि रूल क्वेश्चन जैसे आएगा तो हम पहले रूल फर्स्ट को चेक करेंगे, रूल फर्स्ट नहीं होगा देन रूल सेकंड पर आएंगे। ये नहीं कि जैसे तैसे जो मन में आए रूल चार फैक्टर है चारों फैक्टर को जैसे तैसे लगा दिया। नो, दीज रूल्स हैव टू अप्लाइड इन सीक्वेंस। इंग्लिश समझ में आ रही है सबको? यस सर। बहुत अच्छे आदमी है आप। उसमें सबसे पहला रूल लिखिए फर्स्ट। Resonating structure. I will complete octet is relatively more stable. तो स्टेबिलिटी का एक क्राइटेरिया है ऑक्टेट और सबसे पहले यही चेक करें। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। जी सर। उसके बाद रूल सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जाम्पल कराएंगे एक साथ। हैविंग हायर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जितना कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। यह इज रिलेटिवली मोर स्टेबल। स्टेबिलिटी का मोर दूसरा क्राइटेरिया मोर कोवेलेंट बॉन्ड। अरे कुछ तो बोलिए। हेलो। यस सर। यस सर। यस। सारे लोगों ने लिख लिया? हेलो एवरीवन। यस सर। जी सर। रूल फर्स्ट रूल सेकंड अगर अप्लाई नहीं हुआ तो रूल थर्ड को न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल दैन चार्ज्ड, क्योंकि चार्ज सेपरेशन से अनस्टेबिलिटी होती है। चार्ज सेपरेशन कॉजेज अनस्टेबिलिटी। रीजन लिखना चाहो तो लिख सकते हो। Charge separation causes instability. Instability घटती है। तो देखो तीसरा सीक्वेंस में सब कुछ देख लोगे, जब वो नहीं होगा तो न्यूट्रल को देख लो। कुछ तो बोलो यार। एवरीवन लिख लिया रूल? यस सर। जी सर।
रूल फोर्थ है कि सर अगर सब चार्ज हो, न्यूट्रल वर्सेस चार्ज हो तो न्यूट्रल की जीत होगी। अगर हो सकता है ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज हो, समझा कि नहीं, तो आप और से सुनिए। उसके बाद जब सब चार्ज स्पीसीज होगा, जब मान लिया रूल थर्ड भी नहीं लग रहा है, सब कुछ सेम हो रहा है, तो आपको इस तरह याद रखना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, याद रखिए नेगेटिव चार्ज शुड बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर प्रेजेंट होना चाहिए, से स्टेबिलिटी बढ़ती है, नेगेटिव अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त करेगा एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन द मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इज रिलेटिवली स्टेबल। जब सब चार्ज स्पीसीज हो तो हम चार्ज नेचर ऑफ द चार्ज को देख लेंगे। मतलब एक लाइन में नेचर ऑफ चार्ज, चार्ज कहाँ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर है या ये, तो रूल फोर्थ में नेचर ऑफ चार्ज को देखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, यस सर, गुड, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर, Yes. Oh. आप देखिए, हो सकता है रूल फोर्थ भी सेम हो, वही कहा गया कि दिस रूल हैव टू अप्लाई इन सीक्वेंस। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी। टॉपिक सुनिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए। तो ये नहीं कहा गया मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उसको सीक्वेंस में अप्लाई करना। आगे बढ़ें। यस सर। रूल फिफ्थ क्या कहता है? रूल फिफ्थ ये कहता है कि अगर मान लो ये भी हो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर ही हो, फिर क्या करोगे भाई? तो हम डिस्टेंस बिटवीन चार्ज देखेंगे। क्या देखेंगे फिर? डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। और इनको ये मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस का मतलब हुआ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग अनलाइक चार्ज, अनलाइक का मतलब डिफरेंट, पॉजिटिव नहीं, अनलाइक चार्ज क्लोजर होना चाहिए, नजदीक। क्यों? जितना क्लोजर होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, एनर्जी रिलीज होगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। एंड द लाइक चार्ज एंड लाइक चार्ज मतलब सेम चार्ज, चार्जेस लाइक चार्जेस अवे आर मोर स्टेबल। आर एस हैविंग अनलाइक चार्ज क्लोजर, अनलाइक चार्ज अवे आर मोर स्टेबल, मतलब सेम चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए लाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, अनलाइक चार्ज के बीच में डिस्टेंस कम होना चाहिए। क्लोजर कोई बोल ही नहीं रहा है। हेलो एवरीवन, एक लास्ट रूल है, ये बढ़े हैं, बताइए ना, कुछ तो बोलिए ना। यस सर, जी सर, हाँ बहुत अच्छे। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सब पे भी क्वेश्चन करा जाएंगे। हैविंग हायर नंबर ऑफ बेंजोइड रिंग, इसमें ज्यादा बेंजोइड रिंग होगा, बेंजोइड सेगमेंट होगा, इसमें ज्यादा बेंजोइड सेगमेंट होगा, इज रिलेटिवली मोर स्टेबल।
समझ गए आप? हेलो एवरीवन, यस सर, ऐसे चल रहा है। चलिए आगे बढ़े। यस सर, यस। चलिए एग्जांपल फर्स्ट, कंपैरिजन ऑफ स्टेबिलिटी है क्वेश्चन में। ये छह रूल कैसे याद रखो रैंडमली की सीक्वेंस में, सीक्वेंस उससे सारा क्वेश्चन लगेगा। तो सबसे पहले हम ऑर्किड को देखेंगे। ठीक है, दोनों तरह से बोल सकते हो, यहाँ पर ऑक्टेट नहीं है, यहाँ पर ऑक्टेट है। दूसरा रूल भी लगा सकते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 3 है, यहाँ नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 4 हो गया, इसलिए पी मोर स्टेबल देन ही। ऑक्टेट के से भी और रूल फर्स्ट से भी, रूल सेकंड से भी, दोनों से बी मोर स्टेबल। हाँ जाना, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर, यस सर। कोई बोल ही नहीं रहा यार, क्या गलत बात से है। काश मेरी कौमी सकी खुद को समझ नहीं होती। वो तो मोर स्टेबल, बी मोर कोवेलेंट बॉन्ड सीक्वेंस में, वरना कोई स्ट्रेस सीक्वेंस में नहीं पड़ेगा ना। तो क्या कहते हैं, देखिए यहाँ मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर, इसलिए ये स्टेबल होना चाहिए। बोलिए सर, हमें उससे पहले कोवेलेंट बॉन्ड को देखना, इसलिए कहा गया सीक्वेंस में जैसे तैसे। जबकि चार्ज के कंसेप्ट से देखा जाए तो बी लेस स्टेबल है, लेकिन हम चार्ज क्यों नहीं देखेंगे भाई? पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड ही ज्यादा बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड जितना ज्यादा बनेगा एनर्जी रिलीज होगी। कुछ तो बोल दो यार, हमें हाथ मिला दो। यस सर, यस सर। इसलिए कहा गया कि ज्यादा स्टेबल है, समझ रहे हैं? तो आपको सीक्वेंस में पढ़ना, ये नहीं कि हाँ जैसे तैसे रूल लगा दीजिए फिर ओम नमः शिवाय हो जाएगा, हर क्वेश्चन गलत होगा, कुछ सही होगा कुछ गलत होगा, कंफ्यूज होइएगा। तो इसलिए याद रखना है, दिस रूल्स हैव टू अप्लाइड इन सीक्वेंस। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अब आइए, मोर स्टेबल कौन है? ऑक्टेट सबका कंप्लीट है, सबका कंप्लीट है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बी से में 2, 2, 4, 1, 5, 6, 2, 3। बी मोर स्टेबल सर। हाँ जोश बोलो, बी जाहिल इंसान। न्यूट्रल इज मोर स्टेबल देन जाट। रूल फर्स्ट रूल सेकंड सही है, तो रूल थर्ड अप्लाई करो। रूल थर्ड क्या है? न्यूट्रल इज मोर स्टेबल, यही तो है रूल थर्ड में, देखो ना। यस सर। सर लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव है तो सर वो न्यूट्रल नहीं हो जाएगा? ये ओवरऑल नहीं, ये चार्ज पोलर कहलाएगा कि ये नॉन पोलर है, ये पोलर चार्ज हो गया। ये पागल लड़का है यार, ये दीवाना। हाँ कोई कह गया मिल के चार्ज, लेकिन चार्ज आ गया ना, डेवलप तो हुआ। गुंडा बिहारी सब कुछ है तू,
तो तुमको तो कोई भी स्पेसिफिक चार्ज लगेगा ही नहीं, सबको न्यूट्रल कह दोगे तुम। ओवरऑल कहिएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाई न्यूट्रल, ये भी ओवरऑल न्यूट्रल, ओवरऑल है ना न्यूट्रल, लेकिन पर एटम पे चार्ज आ गया ना। यस सर। B is more stable. Rule first लगाएंगे, operator सबका complete है, rule second लगाएंगे, 2, 3, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 2, 4, 1, 5, 6, 1, 7, neutral दोनों charge species है, जब दोनों charge species है, तो nature of the charge को देख लेंगे, या negative charge carbon पर है, या negative more electronegative पर है, sequence में करो, सब कुछ आ जाएगा, अरे बोलो हाँ या ना? Yes sir. Yes sir. ABC. Sir, A more than B more than C. अच्छा, okay. सबसे पहले octave तो लगभग सबका complete है. ठीक है. अब यहाँ पर covalent bond कितना है भाई? 2, 2, 4, 5. यहाँ covalent bond कितना है? 1, 3, 4, 5. यहाँ covalent bond कितना है? 3, 1, 4, 5. Covalent bond neutral. तो neutral में A more stable. अब B और C दोनों charge species है, तो positive charge यहाँ more, हाँ तो electronegative पर है, तो भाई negative charge more electronegative पर है ना, अरे बोलो ना, hello. Yes sir. Yes sir. Sequence में चलोगे सारा question लगेगा. हाँ बताओ, लिख लिया? यस. जी सर, लिख लिया. गुड. बोलो ना, सबको समझ आ गया ना? यस सर. जी सर.
सबसे पहला काम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करो ना भाई, कितना है कोवेलेंट बॉन्ड इसमें? सर ए बी डी सी, ए बोलो, ए के बाद, ए के बाद बी आया। अच्छा चलिए, तीन एक चार एक पांच एक छह दो आठ एक नौ एक दस, 13 कोवेलेंट बॉन्ड, तीन एक चार एक पांच छह दो आठ एक नौ एक दस दो बारह कोवेलेंट बॉन्ड, 12 तीन एक चार एक पांच एक छह एक सात एक आठ दो दस दो बारह, तीन एक चार दो छह एक सात एक आठ एक नौ दो बारह 13 तीन एक चार दो छह एक सात एक आठ एक नौ दो ग्यारह दो 13 सबसे ज्यादा तो ए के बाद डी आ गया। ए और डी में ए न्यूट्रल क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड सेम है, ए के बाद डी आ गया सबसे, इसलिए कह रहे हैं सीक्वेंस। अब आओ बी बी और सी में, नेगेटिव चार्ज या नाइट्रोजन को यहाँ देखो क्लोजर एट क्लोजर डिस्टेंस बिटवीन लाइक चार्ज क्लोजर क्लोजर, सबको समझ में आया? हाँ ना, हेलो एवरीवन, सबसे पहला काम कोवेलेंट बॉन्ड को काउंट कर लो भाई, हेलो एवरीवन, ऑक्टेट तो हाईएस्ट। अब कोई बोल ही नहीं रहा, रे सांस सुन गया क्या, नहीं समझ में आया? यस सर, हाँ यस सर, हाँ जी सर, इसमें अगर मगर करना ही नहीं है, ना ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बना मोर स्टेबल वही होगा। सर ए बी सी, अच्छा और सब बताएं भाई, ये बिहारी बता रहा है ए बी सी, ए बी सी सर कोवेलेंट बॉन्ड तीन और एक चार, सब में कोवेलेंट बॉन्ड चार है भाई, अच्छा यहाँ तीन है, एक मिनट, तीन है सर लास्ट वन, ये गलत हो गया, ये सिंगल दुनिया क्वेश्चन चेंज कर लो सी का। चलो अब बताओ सारे लोग, अभी भी आंसर वही है तुम लोगों का, क्यों लोगों ने बताया? कोवेलेंट बॉन्ड तो तीन सब में चार है, उसके बाद क्या देखोगे? ऑक्टेट सब तो ठीक है, न्यूट्रल तो सब है, चौथा देखो नेचर ऑफ द चार्ज, नेगेटिव चार्ज है तो ए सबसे ज्यादा होगा, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर ऑक्सीजन अरे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिड यू अंडरस्टैंड? उसके बाद बी सी, क्योंकि दो लाइक चार्ज एडजेसेंट नहीं होगा, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, आया कि नहीं? अरे यार गलत बात है ना, बोलो ना यार, इतना बताने के बावजूद नहीं बोलते सर, हाँ बोले करें इसी तरह, यही बेचारी तो है, बेचारी पढ़ने वाली है, आगे बढ़े सर, जी सर ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, या कमाल
नेफ्थेलीन है ये। ये नेप्थेलीन का है, राइट द ऑर्डर ऑफ दिस में रूल थर्ड रूल सबसे लास्ट लगाओगे, उसमें लिखा है कि नंबर ऑफ बेंजोइड सेगमेंट, इसमें तो सब कुछ चार जो तो है नहीं, इसमें सबसे लास्ट वाला लगेगा। मैंने इशारा भी दे दिया, आप तो कर ही लोगे। कोई नहीं बोल रहे हो सर, इसमें ए हो जाए। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी है। यस आगे, जिसमें नंबर ऑफ बेंजोइड रिंग ज्यादा, तो देखो इसमें बेंजोइड रिंग ज्यादा है ना, ए पाई सिग्मा पाई, ये एक बेंजीन है, पाई सिग्मा ये दोनों बेंजीन ही है, दो बेंजोइड सेगमेंट है इसमें, इसमें एक ही बेंजोइड सेगमेंट है, क्योंकि ये जो पाई है वो दोनों के लिए कॉमन है, इसमें वन बेंजोइड सेगमेंट है। देखो एक ही बेंजोइड सेगमेंट है ना, जल्दी बोलो ना, हेलो एवरीवन। यस सर, इसमें भी एक ही बेंजोइड, देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें भी वन ही है, ए उसके बाद बी इज इक्वल टू सी। बोलो आया सबको समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। जी सर। मत बोलो मत बोलो यार, तुम लोग क्यों नहीं बोल पा रहे हो? यस सर। हाँ तो बेंजोइड सेगमेंट के क्वेश्चन कैसे आएंगे समझ में? आया आया ना, जल्दी बताओ। yes, sir. जी सर। हाँ जी सर, और इतनी दफा पढ़ लो, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक तो ये तीनों नेप्थेलीन ही है, इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 शॉर्टकट है, इसे मैं बाद में बताऊंगा। नंबर ऑफ वर्टिकल सिग्मा को काउंट करो, वर्टिकल सिग्मा 1 2 3, तो याद रख लो 3 बनेगा। अरे कितने नेप्थेलीन में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? 3 वर्टिकल सिग्मा को काउंट करो, 1 2 3। लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होगा, मैं एक्चुअल बहुत अच्छे कंसेप्ट से समझाऊंगा, क्योंकि अपने आप में टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रक्चर में हाउ मेनी रेजोनेंस, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये कुछ स्पेशल एग्जाम्पल में शॉर्टकट लग जाता है, लेकिन यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इसलिए ड्रॉ करने का तरीका भी मैं सिखाऊंगा कि सर ये आप कैसे ड्रॉ कर लिया, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो तरीका भी आना चाहिए, और तरीका जब आएगा तो उसको भी बनाने में कम ही वक्त लगता है। इस पर मेरा एक लेक्चर होगा आपको, इसलिए तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब आइए, आप लोग बनाना शुरू कीजिए प्लीज, और जैसे मैं बना रहा हूँ कोई डबल बॉन्ड वगैरह सब नहीं दीजिए, जैसे बना रहा हूँ खाली डब्बा उसी तरह बनाइए। यस, अच्छा इसमें इस तीनों में वर्टिकल सिग्मा कितना होगा? ठीक है ढेलो, इसमें वर्टिकल सिग्मा बताओ ना, हाउ मैनी? 4, इसलिए मैं 4 बना रहा हूँ, समझ रहे हो स्टाइल? यार स्टाइल समझ रहे हो? स्टाइल समझ रहे हैं। हाँ स्टाइल समझते रहो तुम। यस
इतने चार अल्टरनेटिव अलग अलग दिख रहा है। अब तुम्हें इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताना है। मरियम कुछ आपको समझ में आ रहा है? मरियम साइंटिस्ट जी सर। एग्जाम कब हुआ आपका? पोस्टपोन हो गया जामिया में? सर सीबीएसई है मेरा। अच्छा आपका सीबीएसई। अच्छा आपको तो अभी टाइम है। A is equals to D, greater than B is equals to C. इसमें सिर्फ लास्ट कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बताओ इसमें दो बेंजोइड रिंग है ना, एक और दो, दोनों है, दो बेंजोइड सेगमेंट है। इसमें एक ही बेंजोइड सेगमेंट है, हाँ या ना जल्दी बताओ। इसमें भी एक ही बेंजोइड सेगमेंट है, इसमें इधर भी और इधर भी है, दो बेंजोइड। सबसे ज्यादा A is equal to D, उसके बाद B is equal to C. Did you understand? Hello everyone. जी सर। Hello everyone. Yes. आगे बढ़ें। जी सर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। चारों जो हैं एंथ्रासीन के स्ट्रक्चर हैं। क्या कहते हैं? एंथ्रासीन। 11th के एनसीईआरटी में सब ये सब दिया हुआ, नेफ्थलीन एंथ्रासीन। आगे बढ़ें। हेलो एवरीवन। अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो यार, कुछ तो बोलो। चलो यस सर। हां एक लास्ट क्वेश्चन। 10 एग्जांपल हो गए कि नहीं हुए? जी सर। बना रहे हो ना तुम लोग? जी सर। यस सर।
ये स्ट्रक्चर है वेनल थ्रासी, वेनल थ्रासी है। चलो इतना अच्छा लग रहा है बना के वेनल थ्रासी। ये सब रिलेवेंट के एनसीईआरटी में बेंजीन वाले चैप्टर में होगा। चलो अच्छा इसमें एक मिनट और रुको 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 रुको, लिख लिया सारे लोगों ने? यहाँ तक लिख लिए ना? यस सर। इसमें पांचवा भी बनेगा ना? सब कैसे ड्रॉ करते हैं इस पर फुल्ली कमांड आ जाएगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा। हाउ मेनी रेजोनेंट इन स्ट्रक्चर, इसमें जनरली शॉर्टकट नहीं लगता है, कुछ शॉर्टकट लगता भी है तो कुछ स्पेशल एग्जांपल। चलिए बताइए, हेलो एवरीवन, एबीसीडी हो गया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है भाई। रेनल थ्रासी, जल्दी बताएं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ बेंजोइड रिंग, इसमें बताना हाउ मेनी बेंज। चलो सब लोग चेक करते हैं, चलो बताओ इसमें कितने बेंजोइड सेगमेंट हैं? इसमें तीन, पांच। ये करा पांच सेगमेंट है, तीन है। ये पगला गया रे, नशा किया हुआ गया रे, सब हो जा रहा है ना। हां तो भाई एक दो थ्री बेंजोइड सेगमेंट है ना, इसमें तीन है कि नहीं जल्दी बताओ? सर यस सर, देखो तीन बेंजोइड सेगमेंट है, ये दोनों के लिए, ये दोनों के लिए। अच्छा भाई तो अब बताओ बी में कितने बेंजोइड सेगमेंट है? बी में आराम से सोच के बताओ। दो, दो है, एक ये और एक ये है ना? यस सर। इसमें दो बेंजोइड सेगमेंट है, ठीक है भाई। सी में देखो एक, एक। डी में देखो दो, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, दो। यस सर। ई में देखो दो, दो ही है ना, एक और दो। तुम चेक करोगे तो पांचों अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर अलग अलग हैं, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हुआ बताओ? ए, ए, ए के बाद बोलो डी, ई इक्वल है D E B, B भी तो होगा। अरे B D E, D E तीनों बराबर है बस। B D E, उसके बाद C। बोलो आया कि नहीं? हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा हो यार, कुछ तो बोल दो। यस सर। तो ये था पूरा टॉपिक, किस पर? ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, हम कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी। तो मैं वही आपको सिखा दिया, दिस रूल मस्ट बी फॉलोड, हैव टू, या दिस रूल हैव टू अप्लाइड इन सीक्वेंस। डिड यू अंडरस्टैंड? कुछ तो बोल दीजिए। हेलो एवरीवन, यस यस, आगे बढ़े हम, सब आपको अच्छे से आ गया? यस सर। अब आइए इसके बाद, अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत आसान है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ तो बोल दो यार, तुम लोग बोलते भी नहीं हो। yes. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो तरह का होता है, एक को कहते हैं असाइक्लिक कंपाउंड, मतलब ये हुआ ओपन चेन कंपाउंड। लिखना शुरू करें, ये आसान है, इसमें इम्पोर्टेंट क्या होगा वो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। और एक होता है साइक्लिक कंपाउंड, जिसको कहते हैं क्लोज रिंग। हेलो एवरीवन,
कहते हैं ना, हेलो एवरीवन, क्लोज्ड चेन, यस सर, या रिंग कंपाउंड, ये कहलाता है। हेलो हेलो एवरीवन, यस सर, यस सर, जी सर, टाइप्स ऑफ साइक्लिक, ये जल्दी जल्दी लिखिए सारे लोग, टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड दो तरह का, होमोसाइक्लिक, जिसमें रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन, रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन, यस, और एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। रिंग में क्या होगा, रिंग कंटेन्स नाइट्रोजन सल्फर ऑक्सीजन अदर देन कार्बन, जैसे पैराडीन, रिंग के अंदर नाइट्रोजन है। अरे बोलो ना, हेलो, यस सर, रिंग के अंदर नाइट्रोजन है, पाइरोल कहते हैं, बहुत सारे हैं जो बीच बीच में आएगा, बस मिलिया। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, यस सर, यस सर। अब जो मेरा टॉपिक है इसी में है कि टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक, टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक, ये दो तरह का होता है जिस पर मेरा टॉपिक होगा इम्पोर्टेंट। कौन ऐसा एग्जाम है जिसमें इस पर क्वेश्चन आते हो, साइक्लिक और एक है एरोमेटिक, तो मुझे इसी को पढ़ाना है, एरोमेटिसिटी, व्हाट इज द एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। तो ये ऐसा पॉइंट है कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, डिड यू अंडरस्टैंड, अरे बोलो ना। अच्छा एक बात ये भी याद रख लो, कहाँ गया, जो ओपन चेन लिखा, अच्छा एलिसाइक्लिक, ये जो एलिसाइक्लिक लिख, अच्छा नहीं सॉरी सॉरी, जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड में लिखे हो ना, असाइक्लिक लिखे हो ना, असाइक्लिक ओपन चेन, उसके नीचे ये भी लिख लो, इसको एलिफैटिक भी कहते हैं, एलिफैटिक का मतलब भाई ये ओपन चेन, एलिफैटिक भी कहते हैं, असाइक्लिक को एलिफैटिक भी कहते हैं। और एलिसाइक्लिक की शॉर्ट डिफिनेशन याद रखो, एलिफैटिक मतलब ओपन, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड, सिंपल, एलिफैटिक साइक्लिक कंपाउंड को हम एलिसाइक्लिक, मतलब क्लोज ही रिंग होगा, ब्रांच चेन भी होगा, सब कुछ होगा, ये कहना चाहते हैं। चलिए बताइए सबको समझ में आया है या ना, ये कंपाउंड हमारा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, एरोमेटिक, हकल्स रूल को फॉलो करना जो कल के लेक्चर में बताया जाए।